उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित पुलिस मेस में ऐसा घटिया खाना मिला कि एक सिपाही सड़क पर आकर लोगों के सामने रोने लगा। मेस का खाना थाली में लेकर फूट फूट कर रोते इस जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी में पुलिसकर्मियों की दुर्दशा सामने आ गई है। वहीं राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल में सिपाही थाली की रोटी लोगों को दिखाते हुए कहा, इनको झाड़ कर देखिए, इनमें से क्या निकल रहा है, इसको कोई खा नहीं सकता, ये दाल है देखिए, इसमें सिर्फ पानी पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊँगा, घुट घुट कर जीना बेकार है। इस दौरान में मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद सिपाही थाली लेकर डिवाइडर पर बैठकर रोने लगा। रोते हुए सिपाही कहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम पुलिस को पौष्टिक आहार देते हैं, क्या इस तरह के पौष्टिक आहार मिलता है? आरआई कह रहे हैं कि जनता के बीच शिकायत लेकर जाओगे तो बर्खास्त कर देंगे। इस दौरान एक दरोगा वहां पहुंचा तो उसे शांत रहने को कहा तो कांस्टेबल ने बोला, नहीं साहब, मैं यहीं पर धरना पर बैठूंगा, यहीं बुला लो जिसको बुलाना है। अब तक मैं लोगों के पीछे भाग रहा था, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था, उच्च अधिकारियों का आदेश है, हमें रगड़ दिया जाएगा, यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लेते तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। दरोगा उसे काफी देर तक समझाते रहे, जब वे नहीं माना तो उसे जबरन पुलिस जीप में उठाकर ले गए। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहा पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार है, वे मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है, वर्तमान में उसकी तैनाती पुलिस कार्यालय के संबंध सेल में है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे लाख दावे करती रहे, लेकिन पुलिस के सिपाहियों को मेस में अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है। फिरोजाबाद की पुलिस लाइन के सिपाही मनोज कुमार ने सरकार के इसे साबित कर दिया। कांस्टेबल ने इस पूरे मामले की शिकायत फोन पर डीजीपी से भी की है। मनोज को बताया गया है कि जांच कमेटी बना दी गई है, हालांकि मामले की जांच कर रहे सीओ हीरालाल कनौजिया का कहना है कि कांस्टेबल मानसिक रूप से परेशान लग रहा है, इसने मेस में खाना परोसने वाले से झगड़ा किया था, खुद ही दाल में पानी मिला लिया, इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी को सौंपा।